कि रामगढ़ एसीजेएम कोर्ट ने नगरपालिका प्रशासक और ईओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मामला नवसृजित रामगढ़ नगरपालिका से पूर्व की पंचायत के शासनकाल में पट्टा बुक होने का है। रामगढ़ सरपंच शकुंतला सैनी ने आरटीआई के जरिए नगरपालिका से ग्राम पंचायत शासनकाल में दिए गए पट्टों की नकल मांगी थी, जिसमें पट्टा बुक संख्या 8 उपलब्ध न होने के कारण नकल नहीं मिली, जिस पर कोर्ट में इस्तगासा लगाया गया, जिसमें रामगढ़ एसीजेएम कोर्ट ने तत्कालीन नगरपालिका प्रशासक रिकॉर्ड एसडीएम कैलाश शर्मा और नगरपालिका ईओ घमंडीलाल मीणा के खिलाफ पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। धर्मपत्नी श्रीमती शकुंतला सैनी जो रामगढ़ की पूर्व सरपंच रही, उसके बाद नगरपालिका रामगढ़ को कर दिया गया। उसके बाद हमारे खिलाफ यहाँ राजनीतिक दबाव से साफिया खान के द्वारा और उसके पति जुबेर खान के द्वारा हमारे खिलाफ ये जो चेयरमैन पद को रोकने के लिए षड्यंत्र किया गया, पहले खुर्शीद पुत्र की इन्होंने लगाई थी। उसके बाद जब उसका पता लगा इस व्यक्ति नाम का आदमी है नहीं, थाने से एफआईआर लगाई गई। उसके बाद में फिर इन्होंने एक हमारे यहाँ भोलाराम कालूराम के नाम से एक इन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई थी, तो उसके बाद भी पता लगा कि वो फर्जी तरीके से लगाई, जबकि उस व्यक्ति ने इनके खिलाफ एक यहाँ मजिस्ट्रेट कोर्ट में सीजीएम कोर्ट में एक वो लगाई हुई है एप्लीकेशन, उस पर 202 की माननीय मजिस्ट्रेट साहब ने इनके खिलाफ जांच के आदेश दे रखे हैं, इसमें जांच चल रही है। रामगढ़ थाना अधिकारी पंचायत समिति से हमसे रिकॉर्ड मांगा था, क्यों उनसे एसीडीएम मांगा था, तो इसलिए हमने हम पट्टा बुक गिन के और उनको दे दी। लेटर आया वहाँ से पट्टा लेटर आया हमने दे दी, जब वापस जमा कराए एक पट्टा बुक कम जमा कराए, हमने पूछा वो कहाँ है, भाई हम जमा करा देंगे, जो जमा करा रहे हैं वो जमा कर लो, वो ये कम है, हम जितने जमा करा रहे कर रहे वो लिख कर लो, उसके बाद जमा कर दी। हमने फिर लेटर लिखा है उनको, वो ढूंढ रख ले, वो आज दिन तक वापस वो पट्टा बुक नहीं मिली है, नहीं मिली, नहीं जमा कराई है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि पंचायत समिति से गायब हुई है? पंचायत समिति से गायब हुई है कि हमारे द्वारा पंचायत समिति से जमा करा दी। जो बी डी ओ साहब रहे थे वहाँ, उन्होंने एसीडी वालों ने रिकॉर्ड मांगा था, प्रतिलिपि, सत्य प्रतिलिपि मांगी थी उस रिकॉर्ड की, तो नगर पालिका वाले का कहना है कि हमने मूल रिकॉर्ड उन्होंने यहाँ भेज दिया था, मूल रिकॉर्ड भेजने के बाद सत्य प्रतिलिपि भेजी नहीं थी, तो पंचायत समिति से मूल रिकॉर्ड उनको वापस कर दिया गया। उसके बाद में जो पट्टा बुक संबंधी मामला है वो अब यहाँ से गायब हुई है, पंचायत समिति से या नगर पालिका से गायब हुई है, इसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है। आपसे पहले का मामला जी, मेरे से पहले का मामला है।